हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आनंद आई टीम में आनंद सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स में अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्राइबर। दोस्तों, स्क्राइबर का उपयोग हमेशा किसी धातु के ऊपर लाइन खींचने और मार्किंग लाइन बनाने के काम आता है। मान लीजिए ये कोई आपका धातु का जोब है, इसके ऊपर अगर आपको लाइन बनानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे? पेन पेंसिल तो चला नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक धातु का स्क्राइबर बनाया जाता है और उसी के द्वारा ही इस पर मार्किंग लाइनें खींचने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी मार्किंग लाइन बनानी हो अगर किसी धातु के ऊपर, तब इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है। यानी जब धातु पर जो लाइन खींचनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे अपन? स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। अब पता करते हैं कि इसका मटेरियल किस धातु का बना होता है। तो जो स्क्राइबर होता है उसका मटेरियल हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और अगर उसको कभी कभी मैल स्टील का भी बना दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, उसको केस हार्डनिंग करके उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है उसके पॉइंट को। तो ये हमेशा वैसे तो हाई कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है। ठीक है, अब आता है इसके एंगल की बारी। जो स्क्राइबर होता है उसका पॉइंट एंगल कितने डिग्री पे होता है, यानी ये जो स्क्राइबर होता है इसका ये पॉइंट वाला एंगल, सारे स्क्राइबर का जो एंगल होता है पॉइंट एंगल, वो हमेशा 12 से 15 डिग्री पे रखा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि स्क्राइबर के पॉइंट एंगल कितने डिग्री पे बनाए जाते हैं, तो उसका हमेशा आप आंसर दोगे कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल हमेशा 12 से 15 डिग्री पे बनाया जाता है। और उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्राइबर के हमने चार टाइप्स पढ़ेंगे। पहला स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा बैंड स्क्राइबर, तीसरा एडजस्टेबल और चौथा ऑफसेट स्क्राइबर। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर। दोस्तों, स्ट्रेट स्क्राइबर क्या होता है, इसका जो पॉइंट होता है जो स्क्राइबर, तो बिल्कुल पॉइंट सीधा बना होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट स्क्राइबर बोला गया है। और इसका एंगल भी हमेशा 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। उसकी बॉडी पर नलिंग बना दी जाती है ताकि ये हाथ से अच्छे से ग्रिपिंग की जा सके, और इसका प्रयोग किसी बाहरी सतह पे लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट स्क्राइबर, क्योंकि इसका पॉइंट है वो बिल्कुल सीधा होता है और नलिंग बनी, इसलिए इसको स्ट्रेट स्क्राइबर बोला गया है और हमेशा ये हाई कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है। दूसरा आता है अपना बैंड स्क्राइबर, नाम सुना है बैंड एंड मुड़ा हुआ स्क्राइबर। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट इसका सीधा होता है और दूसरा बैंड होता है। जो सीधा वाला पॉइंट होता है उसका प्रयोग भारी लाइन खींचने के लिए किया जाता है, और जो ये बैंड वाला स्क्राइबर रहता है वो हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ के बनाया जाता है, और इसका प्रयोग किसी अंदरूनी सतह पे लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जैसे किसी पाइप के अंदर आपको लाइन खींचना हो, तो आप जब पाइप के अंदर लाइन खींचोगे, वो लाइन खींचने के लिए जब आपको किसी स्ट्रेट स्क्राइबर से खींच नहीं पाओगे, तो इस कंडीशन में आपको ये बैंड वाला स्क्राइबर काम आएगा, जिसके द्वारा किसी धातु पे आप आसानी से अंदरूनी सतह पे लाइन खींच सकते हैं। यानी बैंड स्क्राइबर का उपयोग कहाँ हुआ, जहाँ पे किसी पाइप की अंदरूनी सतह पे लाइन खींचने का कार्य किया जाता है, और ये हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है, बाकी सेम स्ट्रेट स्क्राइबर की तरह ही रहता है, क्योंकि एक तरफ से मुड़ा है इसलिए इसको बैंड स्क्राइबर बोला गया। दूसरा आपका तीसरा पढ़ते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको जो स्क्राइबर था उसको एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कार्य के अनुसार उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। ये सेम होता है स्ट्रेट स्क्राइबर की तरह है, परंतु इसमें क्या होता है, इसकी जो पॉइंट, ये स्क्राइबर जो बाहर निकला रहता है, इसकी लंबाई को अपन कार्य के अनुसार स्लीव के अंदर घुसाया भी जाता है और उसको बाहर भी निकाला जाता है, यानी कार्य के अनुसार उसकी लंबाई को एडजस्ट करके पॉइंट को काम में लिया जा सकता है। वो हो गया अपना एडजस्टेबल स्क्राइबर। उसके बाद होता है ऑफसेट। ये देखिए आपके सामने ऑफसेट स्क्राइबर बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग ज्यादातर वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है। आपने अगर वर्नियर हाइट गेज देखी है तो उसमें आपको ये स्क्राइबर जरूर देखा होगा, जो ऑफसेट स्क्राइबर होता है। इसमें क्या होता है, क्लैंपिंग स्क्रू रहता है, और इसका भी इस क्लैंपिंग स्क्रू में इसमें जो बॉक्स रहता है इस पैकेट बॉक्स में, इसमें क्या करते हैं, इसकी हाइट को, इसकी जो लंबाई, इसको समायोजित की जा सकती है कार्य के अनुसार, और इसके द्वारा एक से दो काम किए जा सकते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब की ऊंचाई भी चेक की जा सकती है, मेजरिंग भी की जा सकती है, और किसी जॉब पे लाइन भी खींची जा सकती है। ये अपना हो गया ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, ये भी हमेशा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको दोबारा। स्क्राइबर का यूज हमेशा मार्किंग लाइनें खींचने के लिए किसी धातु पे किया जाता है। इसका मटेरियल हमेशा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका एंगल, पॉइंट एंगल होता है, वो हमेशा 12 से 15 डिग्री होता है, और बैंड जो स्क्राइबर होता है उसका हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है, और इसका प्रयोग हमेशा अंदरूनी सतह पे लाइन खींचने के लिए किया जाता है। और फिर रहता है इसके टाइप्स। टाइप्स में पढ़ेंगे चार प्रकार के, स्ट्रेट स्क्राइबर, बैंड स्क्राइबर और एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। दोस्तों, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आप कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।